सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वन एकेडमी। माय नेम इज डॉक्टर वरुण शर्मा एंड आप सभी का स्वागत है राजस्थान 360 चैनल पे, विच इज द सब्सिडियरी चैनल ऑफ वन एकेडमी नाउ। एंड गुड इवनिंग अंकुर, गुड इवनिंग ज्योति, यस क्लासेस ऑन, टोटली ऑन। ओके, सो दिस इज द चैनल्स नेम वन एकेडमी का, विच इज द लार्जेस्ट लीडिंग एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया फॉर वेरियस एग्जाम्स। तो उसी का सब्सिडियरी चैनल राजस्थान 360 फॉर आरपीएससी एग्जाम्स। मेरा नाम डॉक्टर वरुण शर्मा है, आई हैव बीन ट्रेनिंग सिविल सर्विस स्टूडेंट्स फॉर द पास्ट 2 years नाउ and I have appeared for UPSC CSE interview once and for good evening Tarun and for RAS interview thrice and I will be helping people for strategically preparing exams in English medium various RPSC exams. Okay, so moving further, आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान पेंटिंग्स का ही, मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट। तो जैसा कि लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था कि राजस्थान में जो पेंटिंग विधाएं हैं, जो थीम्स हैं, वो अलग अलग एरियाज में डेवलप हुई थी, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती के अंदर। तो हम मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट करने वाले हैं आज, फिर बाकी जो 3 topics है वो हम कल, परसों और उसके अगले दिन कवर कर लेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक से प्री और मेंस दोनों में सवाल आते हैं, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेंस के अंदर भी पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, डिटेल पूछ सकते हैं कि भाई किस तरह से आपके फीचर्स क्या थे, वो सारी चीज़ें। हिस्ट्री क्लास ऑन प्लस, दीपक प्लस पे तो टाइम लगेगा, देखो अभी हिस्ट्री तो यहीं चल रही है, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, तो प्लस पे टाइम लगेगा, नॉट बिफोर अक्टूबर आई हार्डली डाउट, क्योंकि उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाए, तो उससे पहले तो मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चल ही रहा है, आप तब वहाँ पर आ जाइएगा। ठीक है, चलिए बिफोर मूविंग फर्दर, वाई अन अकेडमी, बिकॉज अन अकेडमी पे आपको मिलेंगे डेली लाइव क्लासेस, मेरे से बहुत से एजुकेटर्स आपको रेगुलरली आके पढ़ाएंगे, आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज रहेंगे एवरीथिंग। हाँ बिल्कुल, आ रहे हैं इसके लिए दीपक, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको सब टॉपिक्स के पूरा सिलेबस वाइज जो कोर्सेज हैं सिलेबस है वो सारा पढ़ाया जाएगा, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज रहेंगे ताकि अपनी परफॉर्मेंस आप असेस कर सकें। ठीक है, तो उसके हिसाब से रहेगा एंड अनलिमिटेड एक्सेस टू द वीडियो, जब तक भी सब्सक्रिप्शन है आपका तब तक वैलिडिटी आपके वीडियोस की बनी रहेगी, आप सारे वीडियोस देख सकते हैं, सारे जो भी डिटेल्स हैं वो नोट्स बना सकते हैं वहाँ से। ठीक है, एंड ये कुछ टॉप एजुकेटर्स जो अकेडमी में पढ़ा रहे हैं, सो दिस इज अ लिस्ट ऑफ देम, यू कैन गो थ्रू इट एंड पॉज द वीडियो। इसके अलावा ये मेरा कोर्स है जो अब 6th को खत्म हो जाएगा, 6th August को लास्ट क्लास होगी इसकी, पब्लिक आर्ट खत्म हो जाएगा, तीनों पार्ट ओवरऑल जो RAS का सिलेबस है पब्लिक आर्ट वो खत्म हो चुका है। तो आप लोग जो ज्वाइन अप करना चाहते हैं ज्वाइन कर लें, आपके जो डाउट्स होंगे मैं उसके लिए लाइव क्लासेस दूंगा अलग से, तो आपके डाउट्स क्लियर करवाए जाएंगे। ऐसा नहीं मैं इसको दोबारा शुरू भी करवाऊंगा टॉपिक वाइज, लेकिन ये अभी पूरा सिलेबस वाइज है, उसके बाद में फिर कुछ अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस जिसके डाउट ज़्यादा होंगे उन सेक्शन को एक्सेप्ट करके पढ़ाऊंगा, या अगर नीड रही सब लोगों को बोला तो मैं आपको ये कोर्स दोबारा भी शुरू करवा दूंगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो बट जो अभी मिस कर चुके हैं वो आना चाहें तो इसके ऊपर आराम से देख सकते हैं। ठीक है, और अब 10th August से नया कोर्स शुरू होने वाला है मेरा, वो जो राजस्थान जो पॉलिटी का पार्ट है, राजस्थान पॉलिटी वाला जो पार्ट है जो मेंस का ओरिएंटेड है, पूरा मेंस टॉपिक है, वो शुरू होने वाला है 10th August से 11:30 ऑनवर्ड्स 10th August। ठीक है, तो आप उसके लिए भी एनरोल करवा सकते हैं, आपको आज या कल में उसका जो लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद आप देख सकते हैं। नाउ हाउ टू डिस्कवर अनअकैडमी, सिंपल है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, गो ऑन RPSC, क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन, रिमेंबर द कोड 10VS, द सेम ड्रिल, पुट इट इन दिस गिफ्ट बॉक्स, और आपको 10% अपफ्रंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो 1 साल का कोर्स है वो 6300 में, और जो 2 साल का कोर्स है वो 7560 में, इससे पहले कि इनकी प्राइसेस बढ़े, जैसे वैकेंसी आएगी तो प्राइसेस बढ़ेंगी भी, तो आई वांट कि अगर आपको लेना ही है तो आजकल ना करें और ले लें, बेटर रहेगा आपके पास। वैसे भी 2 महीनों में बहुत ज़्यादा मेजर इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन वैकेंसी आने के बाद प्राइसेज जरूर बढ़ेंगे, दैट आई कैन अश्योर यू ऑफ। ठीक है, तो आप इसको ले सकते हैं। प्लस अगर आप ये 3 लेंगे ऑप्शंस, तो फिर 2 प्रॉब्लम होती हैं कि आप सिर्फ नोट्स आप तब तक देख पाएंगे जब तक आपको सिर्फ इसकी वैलिडिटी है, तो वो कोई फायदा नहीं है, और फिर इवेंचुअली आप दो बार पैसे भी देंगे उस चीज़ के, तो आई थिंक दैट वुड नॉट बी अ गुड ऑप्शन, बेटर रहेगा आप 1 साल या 2 साल के उसमें जाएं। ठीक है, एनी अदर डाउट्स यू हैव, मेरा फोन नंबर मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, उससे बात कर लीजिएगा। ठीक है, दिस इज माई नंबर, एनीथिंग। अच्छा एक चीज़ और, ये सभी कोर्सेज के लिए, फॉर ऑल कोर्सेज एंड फॉर ऑल टीचर्स, जो भी एजुकेटर्स हैं उन सभी के लिए ये कोड वैलिड है, सारे कोर्स आप देख सकते हैं, सारे आप टीचर साथ आप पढ़ सकते हैं मेरे एक सिंपल कोड के साथ 10VS के साथ, सो रिमेंबर यूजिंग इट। एंड और ये मेरा आपका, ये मेरा टेलीफोन नंबर है, ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, इसके ऊपर आपको जो भी क्लासेस के लिंक चाहिए मिलते रहेंगे, करंट अफेयर्स की मैं अपडेट्स देता रहता हूँ, वो यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे इंग्लिश मीडियम में राजस्थान के लिए। चलिए, सो जो पेंटिंग्स आज आपको मैंने बताया था कि जो मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स है वो, जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में जो पेंटिंग विधाएं वो 4 हैं, एक आपके मेवाड़ हो गई, एक आपके मारवाड़ हो गई, फिर उसके बाद आपके ढूंढाड़ हो गई जो जयपुर वाला एरिया है, और उसके बाद लास्ट आपके कोटा बूंदी जिसको हम कहते हैं हाड़ौती। अब ये जो मेवाड़ स्कूल ऑफ थॉट है ये भी अपने आप में 4 अलग अलग उसमें डिवाइडेड है, एक है आपके उदयपुर का जो सब स्टाइल है इसका, एक नाथद्वारा सब स्टाइल है,
एक देवगढ़ सबस्टाइल है और चावन सबस्टाइल। सबस्टाइल मतलब होता है शैली, चलिए उप शैली राधा, स्टाइल इज शैली और सबस्टाइल मतलब उप शैली। तो मेवाड़ जो स्कूल, इसको हम स्कूल भी कहते हैं, इसको हम स्टाइल भी कह सकते हैं, वट एवर यू फील लाइक, जैसे भी लिखना चाहिए एग्जाम में लिख सकते हैं मेन्स के ओरिएंटेड में, तो आप स्कूल भी लिख सकते हैं, स्टाइल भी लिख सकते हैं। तो ये मेन हो गया आपके शैली, ठीक है, और इसके नीचे आप लिख देंगे जो सब शैली होते हैं। तो इसी तरह से आपको जब आंसर राइटिंग शुरू करेंगे तब भी आपको ऐसे बताना पड़ेगा कि मेवाड़ स्कूल ऑफ थॉट्स के पेंटिंग के अंदर इस तरह के चार सब डिविजन होते हैं। आप डायग्राम बनाना चाहें डायग्राम भी बना सकते हैं, अदरवाइज वैसे भी कर सकते हैं। ये देवगढ़ और चावंड दोनों उदयपुर में ही है, ठीक है। चावंड महाराणा प्रताप की काफी टाइम तक वो रही थी, कैपिटल रही थी, और देवगढ़ भी उदयपुर के अंदर ही है, ठीक है। दोनों सब उदयपुर का ही पार्ट है। देखिए मेवाड़ शैली प्रेडोमिनेंटली डिफाइन करती है उदयपुर शैली को, इसलिए कई बार क्या होता है लोग कंफ्यूज आते हैं, उदयपुर शैली को ही मेवाड़ शैली मान लेते हैं, लेकिन उनके और सब डिवीजन भी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले उदयपुर सब स्टाइल, जिसको मेवाड़, इसलिए मैंने ब्रैकेट में मेवाड़ स्कूल भी लिखा था, क्योंकि मेवाड़ स्कूल कई बार आप लोग अगर समझना चाहें तो ये समझ लीजिए उदयपुर शैली मेवाड़ शैली है, लेकिन कुछ अब मैंने बताया जैसे इवेंचुअली फाइनल सब डिवीजन आ गए हैं तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। तो उदयपुर सब स्टाइल, अब ये जो जो सब स्टाइल है उदयपुर का, जो मेवाड़ शैली है, उदयपुर शैली है, ये उदयपुर शैली जो थी ये राजस्थान जो पेंटिंग है, राजस्थानी पेंटिंग, उनकी एक बेसिक फंडामेंटल फॉर्म है, बेसिक, क्योंकि यहीं पे आपको मैंने बताया था कि जो राजस्थान में जो पेंटिंग्स का जो उद्भव हुआ था, या फॉर दैट मैटर जो अगर अरविंद कुमार, जो आनंद कुमार स्वामी की जो बुक जो मैंने मेंशन की थी राजपूत पेंटिंग, उसमें बताया था कि हिंदुस्तान में पेंटिंग का जो उद्भव हुआ था उन्होंने राजपूत और मुगल दो पार्ट में बांटा था, मैंने आपको बताया था राजपूत और मुगल दो पार्ट में बांटा था, और इसके बाद राजपूत को भी उन्होंने दो पार्ट में राजस्थानी बांट दिया था और दूसरा उन्होंने पहाड़ी बांट दिया था, ये भी आपको मैंने बताया था। इस पहाड़ी के चार पार्ट थे और उसमें से मेवाड़ के फिर चार पार्ट आ गए, तो ये सब डिवीजन है, ठीक है। तो ये इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये सारी डिटेल आपको आंसर मेंशन नहीं करनी, बट हाँ बेसिक्स आप जताना चाहें तो बिल्कुल, आप अगर आप वैसे देना चाहें तो ज्यादा लिखने के नंबर कटते तो है नहीं, लेकिन वर्ड लिमिट थोड़ी ध्यान रखिएगा तब, ठीक है। जैसे अगर 100 नंबर का क्वेश्चन, 100 वर्ड का क्वेश्चन है तो आप 120 तक चले जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, ये 120 में अगर आपने ये सारा डेटा डाला है तो इंपॉर्टेंट ही माना जाएगा, उसके नंबर काटेगा नहीं आपके, ठीक है। तो ये इसी के अंदर राजस्थानी को जो एकदम बिल्कुल फंडामेंटल फॉर्म था वो आपका मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स था, और ये सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस था आपके गुर्जर प्रति और जैन स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स के थ्रू, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था ये राजस्थान के अंदर, ठीक है। फिर जब राजस्थानी पेंटिंग अलग हुई थी, इंडिपेंडेंट होने लग गए, तो फिर हम राजपूताना पेंटिंग्स का उद्भव बताया था मैंने आपको। एक चीज और आपको बताता हूँ, ये जो उदयपुर स्टाइल ऑफ पेंटिंग है इसके अंदर गोहिल शासक जो थे, जो राजपूत जो मेवाड़ के गोहिल शासक थे या गोहिल शासक थे, गोहिल गोहिल एक ही चीज है, ठीक है। तो ये आपके इनका बहुत बड़ा योगदान रहा मेवाड़ शैली को बढ़ाने में, तो बहुत इन्होंने काफी इन्होंने इसको पेट्रोनेज दिया था, काफी इसको प्रोमल्गेट किया था, बहुत ज्यादा बढ़ाया था, तो उसके हिसाब से गोहिल शासकों का बहुत ज्यादा योगदान, सभी शासकों का। और इसी टाइम पर श्रावक प्रतिकर्मण सूत्र चूर्णी जो पहली किताब मॉडर्न राजपूत पेंटिंग्स की हम बात करते हैं उसमें लिखी गई थी, ठीक है, जो आहड़ के अंदर पेंट करी गई थी कमल चंद्र के द्वारा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखिएगा, कमल चंद्र के द्वारा पेंट की गई थी, आहड़ उदयपुर के अंदर लिखी गई थी, ठीक है। और 1260 में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रावल तेज सिंह, ये मैंने फर्स्ट क्लास में भी आपको इन्फॉर्म बताया था, अब यहाँ पे थोड़ी डिटेल दे दी है मैंने आपको, ठीक है। तो रावल तेज सिंह जो था, ये पूरा ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, एग्जाम में दोबारा पूछ भी सकते हैं, ठीक है। रावल तेज सिंह के टाइम में लिखी गई थी। फिर दूसरी जो इंपॉर्टेंट किताब थी वो सुपार्श्वनाथ चरितम थी, सुपार्श्वनाथ चरियम जो मैंने बताया था, इसका दूसरा नाम सुपार्श्वनाथ चरितम था। हीरानंद ने इसको डिजाइन किया था, पूरा इलस्ट्रेट किया था, जो वो पेंटिंग्स वगैरह बनाई थी। और देवकुल पाठक, ठीक है, यहाँ पर लिखी गई थी, देलवाड़ा में एक जगह थी देवकुल पाठक, जहाँ पर पेंटिंग का एक स्कूल मान लीजिए एक तरह से, तो महाराणा मोकल के समय, ठीक है, 1422 से 1423 के दौरान ही लिखी गई थी। तो ये दोनों भी, इसको मैंने बोल्ड करना चाहिए था, बट ध्यान रखिएगा महाराणा मोकल ये रावल तेज सिंह दोनों इंपॉर्टेंट रहे हैं, तो इनके हिसाब से इंपॉर्टेंट चीज देखिए ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जो महाराणा अमर सिंह थे, जो राजे जो आपके प्रताप सिंह के, महाराणा प्रताप के जो पुत्र थे, उनके टाइम पर मुगल इन्फ्लुएंस दिखने लग गया था राजपूताना की पेंटिंग्स के ऊपर, उदयपुर सब स्टाइल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्टाइल बिकेम विजिबल ऑन एट द टाइम ऑफ महाराणा अमर सिंह, तो मुगल जो इन्फ्लुएंस था राजपूत पेंटिंग्स के ऊपर वो भी विजिबल होने लग गया था, तो ये उदयपुर सब स्टाइल की कुछ खास बातें थी, ठीक है। इसके बाद महाराणा कुंभा के टाइम पर एक, अब जैसे एक क्वेश्चन आजकल नए बनने लग गए हैं कि आपसे राइट, आप जैसे ये क्वेश्चन पहले पूछा था, एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई जो महेंद्रपाल प्रथम थे उनके टाइम पर कौन सा एक, नहीं, जो कल्हण जो थे वो किसके दरबारी कवि थे, ठीक है, तो वो थे आपके महेंद्रपाल प्रथम के टाइम पर। तो इस तरह के सवाल आजकल बहुत ज्यादा पूछने लग गए हैं, तो अब ये पूछ सकते हैं कौन सा आर्टिस्ट किसके टाइम पर फेमस था, या उसने कौन सा आर्टिस्ट ने किस कौन से ग्रंथ की रचना की थी किसके टाइम पर, किस रूलर के टाइम पर। तो इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट जो उदयपुर शैली के अंदर जो कुछ रूलर्स थे उनके कुछ इंपॉर्टेंट कोर्ट पोएट्स कह लीजिए, कोर्ट पेंटर्स कह लीजिए आप, या आप इलस्ट्रेटर्स कह लीजिए, तो उसकी लिस्ट अभी थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। एक रसिकाष्टक नाम की किताब लिखी थी बीकम चंद ने, ठीक है, तो बीकम चंद ने, सर ये सब ब्रेन में रिटेन कैसे होगा, ये ब्रेन में रिटेन होगा ऐसे हम रेगुलरली वो अपडेट करने के बाद, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं,
अब कई जगह अब देखिए जितना ज्यादा आप याद रखेंगे उतने ज्यादा नंबर स्कोर हो पाएंगे, अगर चाहे प्री लो चाहे आप मेंस लो, तो रिटेन करने की क्या तो टेंडेंसी है कि आपको दोबारा दोबारा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हर थर्ड डे हर सेवेंथ डे आप रिपीट करोगे, गुड इवनिंग उमेश, तो आप सेवेंथ डे थर्ड डे रिपीट करते रहोगे ना तो याद हो जाएंगे, तीन चार बार में से ज्यादा याद दिक्कत नहीं आती आपको, फिर एक बार आप देखो ग्लिम्स एंड यू बी रिमेंबरिंग इट, ठीक है। तो रसिकाष्टक नाम की किताब लिखी थी भीकम चंद्र ने महाराणा कुंभा के टाइम पर, तो ये नाम ध्यान रखना इसके कोट जो पेंटर था। ऐसे महाराणा अमर सिंह के टाइम पर रागमाला सेट, इसको रागमाला सेट कहते हैं, ठीक है, ये लिखा गया था। प्लस कोर्स में आ रहे प्री एंड मेंस टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है लेक इन ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स। बिल्कुल प्रवीण, जैसी वैकेंसी आती है उसके हिसाब से मैं आंसर राइटिंग तो लगातार करवाता हूँ, मैं जो मेंस में जो मेरे प्लस में कोर्सेज चल रहे हैं मेंस के उसमें मैं रेगुलरली आंसर राइटिंग करवाता रहता हूँ, तो वो भी आप वहां से भी प्रैक्टिस होती रहेगी आपको, और कुछ आपके जो प्री के जो क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे क्विज के तौर पर। तो जैसे कोई टॉपिक कंप्लीट होता है तो मैं क्विजेज लेकर आता हूँ उसकी, अभी आर्किटेक्चर और ये इसका क्या नाम है आपके पेंटिंग्स का जो एक कंबाइंड एक क्विज मैं लेकर आऊंगा नेक्स्ट नेक्स्ट वीक के अंदर मोस्टली जो खत्म हो जाएगा, तो सारा एक कंबाइंड क्विज भी लेकर आऊंगा, प्री ओरिएंटेड रहेगा पूरा, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो रागमाला सेट लिखा था पूरा आपके बनाया था नसीरुद्दीन ने, ठीक है, नसीरुद्दीन भी कहते हैं इसको, 1605 में अमर सिंह का टाइप, अमर सिंह इन्होंने ही मुगल्स के साथ संधि करी थी, महाराणा अमर सिंह ने जहांगीर के साथ संधि करी थी, ठीक है, इन्होंने ट्रीटी साइन की थी जहांगीर के साथ आकर, एंड इट बिकेम इम्पोर्टेंट फॉर हिम टू कंटिन्यू दी लेगेसी ऑफ महाराणा प्रताप, लेकिन फिर भी अपने आसपास के जो सामंत थे उनके दबाव में आकर या प्रेशर में आकर ही समवॉट सरेंडर टू देम, नॉट आई मीन टू सरेंडर टू दी विम्स एंड फैंसीज ऑफ दी यू नो दी सामंत्स और दी लैंडलॉर्ड द फ्यूडल्स ऑफ उदयपुर, ठीक है, इनका इरादा नहीं था पर फिर भी इन्होंने करी संधि। खैर वो हिस्ट्री का पार्ट है, वो हम हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे, पहले एक बार कर चुका हूँ मैं, दोबारा भी एक मेवाड़ का मैं पूरे एक हिस्ट्री का मैं मैराथन क्लास दूंगा जब आपको समझाऊंगा और इसके बारे में, ठीक है। तो नसीरुद्दीन बड़े फेमस, ये क्वेश्चन दो बार आ चुका है, 2016 के प्री में और 2018 के प्री में, ये दोनों बार प्री क्वेश्चन आ चुका है नसीरुद्दीन वाला, किसके दरबारी कवि वो आर्टिस्ट था, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों बार लगातार क्वेश्चन आए दो प्री के अंदर, तो आज के लिए क्वेश्चन बहुत पूछने लगे तो इसलिए ध्यान रखना। फिर आता है आपके महाराणा जगत सिंह, ठीक है, अब महाराणा जगत सिंह सर चंडी शतक एक पेंटिंग है, बुक चंडी शतक एक बुक भी है उसके ऊपर पेंटिंग भी बनाई गई है, जैसे गीत गोविंद बुक भी है और रसिक प्रिया के ऊपर टीका भी लिखा है उसके ऊपर बुक भी बनाई गई है। प्री के लिए इंग्लिश में बेस्ट है ज्योति आपके लक्ष्मीकांत, बेस्ट क्वालिटी बुक, महाराणा कुंभा के टाइम में ही लिखा है, बिल्कुल हाँ बिल्कुल महाराणा कुंभा टाइम के ऊपर लिखा गया है, चंडी शतक कुंभा ने लिखा है इनफैक्ट, ठीक है, इसके राइटर कुंभा ही है, और रसिक प्रिया उन्होंने टीका लिखा है गीत गोविंद के ऊपर, उन्होंने सूड प्रबंध लिखे, बहुत सी किताबें लिखी कुंभा के टाइम पे, मैंने सारी डिस्कस कर रखी है, वो मैं हिस्ट्री में दोबारा करवाऊंगा आपको पूरे रजवाड़े वंश के हिसाब से, तो ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए करना। क्लियर कैसे समझेंगे भाई, पेंटिंग अलग नहीं भाई, कुंभा ने किताब लिखी है, पेंटिंग कुंभा ने नहीं करी है, तो वो पेंटर के नाम पे पूछा जाएगा आपसे, उसकी टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। ये रसिकाष्टक है, ये रसिकाष्टक है, रसिकाष्टक, ठीक है, चंडी शतक नहीं, ये रसिकाष्टक है वैसे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पेपर का क्या मीडियम होगा, पेपर का मीडियम इंग्लिश ही होगा, मतलब आप जो मीडियम में देना चाहे आप इंग्लिश में देना चाहो इंग्लिश में दो, हिंदी में देना चाहो इंग्लिश में हिंदी में दो, ठीक है, और इसके अलावा कुंभा के टाइम पे बस, हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर महाराणा जगत सिंह को उदयपुर शैली का आपका स्वर्ण काल कहा जाता है, तो मेवाड़ शैली उदयपुर शैली का जो आप हम जो पेंटिंग की बात कर रहे हैं उसका स्वर्ण काल या गोल्डन पीरियड कहा जाता है महाराणा जगत सिंह के टाइम को, बहुत इन्होंने काफी मेहनत करी थी बढ़ाने के लिए, तो इन्होंने एक चितेरारी ओबरी या तस्वीरारो कारखानो नामक एक स्टूडियो खोला था, ये समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए एक स्टूडियो था फॉर पेंटर्स, तो जहां पर सारे चितेरा का मतलब होता है पेंटर, ठीक है, अपने मेवाड़ के अंदर चितेरों को पेंटर कहा जाता है, ठीक है, तो जो चित्र बनाते हैं इसलिए चितेरा, तो चितेरारी ओबरी नामक इन्होंने एक स्टूडियो खोला पेंटिंग स्टूडियो, जहां पर लोग पेंटिंग सीखते भी थे, स्कूल भी था और वो पेंटिंग्स बनाई भी जाती थी, उसको आगे नाम आप तस्वीरारो कारखानो भी कह सकते हो, दोनों नाम है, तो ये मेवाड़ के टाइम पे फेमस था, ध्यान रखना, ठीक है, मेवाड़ साइड ऑफ पेंटिंग चितेरारी ओबरी, ये पूछ सकते हैं कि मेवाड़ चितेरारी ओबरी किसके टाइम पे बनाया गया था, किस आपके पेंटिंग शैली से रिलेटेड है, ठीक है। फिर इनके जगत सिंह के टाइम पे एक राइटर था, एक पेंटर था साहिबद्दीन, उसने भगवत पुराण को पूरा पेंट किया था, तो भगवत पुराण यानी कि जिसमें कृष्ण के जीवन से रिलेटेड बहुत सी कहानियां हैं, बहुत सी जो उन्होंने जो लीलाएं बताई हैं वो सारी उन्होंने पेंट करके बताई हैं, ठीक है वो। और इसी के अलावा सिर्फ पॉलिटी के MCQs आए, अच्छा एक सेकंड, और इसके अलावा दूसरे जो पेंटर थे वो थे मनोहर, ठीक है, तो ये दोनों पेंटर्स बड़े फेमस थे, कोर्ट पेंटर्स थे किसके, महाराणा जगत सिंह के टाइम पर, तो ये ध्यान रखिएगा। अब वैसे ये पेंटिंग ये उदयपुर के लेक पैलेस की है, ये उदयपुर का लेक पैलेस पीछे है और ये महाराणा और उनकी प्रेयसी काइंड ऑफ ठीक है वो बैठे हुए हैं, भोग विलासता में लीन है, लेजर जो टाइम है इनका,
ठीक है, तो ये तो इस तरह की पेंटिंग्स बहुत फेमस थी। अच्छा, आप मुझसे ज्योति पूछ रहे हैं कि भाई ये कौन सा बुक है जिसमें MCQs हैं, ये तो आप किसी टाटा मैकग्रॉ हिल ले लीजिए, उसमें भी काफी आते हैं, TMH की बुक्स आती हैं। लेकिन MCQs आप प्रैक्टिस के लिए लेना, पढ़ने की कोशिश मत करना उसे। आप घटनाचक्र पढ़ सकते हो पॉलिटी के लिए, घटनाचक्र बेस्ट बुक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है, कोई टेंशन ही नहीं है उसके अंदर, सारा आपको लिंक डिटेल भी दी हुई होती है कैसे सॉल्व किए जाए, तो आप वो ट्राई कीजिएगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि पढ़ने के लिए आप बुक से पढ़िएगा, सिर्फ प्रैक्टिस के हिसाब से ही आप उसको MCQs को सॉल्व करिएगा। पेंटिंग है या एक से ज्यादा भगवत पुराण में बहुत सी पेंटिंग है कृष्ण की अलग अलग, जैसे कंस वध हो गया, पूतना वध हो गया, माखन चोरी वाला सीन हो गया, जेल से निकलने वाला सीन हो गया, जितने भी कृष्ण के जीवन से रिलेटेड लीला है सारी, तो भगवत पुराण एक बुक का नाम है, उसके अंदर बहुत सारी पेंटिंग है कृष्ण के जीवन से रिलेटेड। ठीक है, तो बहुत सारी जो कृष्ण लीला है सारी बनाई गई है। ठीक है अंकुर, चलिए फिर आपके आते हैं इसके फीचर्स के। अब ये पूरा मेंस का पार्ट है, हालांकि इसके अंदर प्री में क्वेश्चन भी बनते हैं, वो कैसे बनते हैं वो बताता हूँ मैं आपको, ACF में भी बन सकते हैं इसलिए। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा फीचर्स ऑफ पेंटिंग्स क्या थे इस, मतलब मुगल आपके मेवाड़ शैली के या आपके उदयपुर शैली, फॉर टू बी स्पेसिफिक, उसे फीचर्स कहते हैं। तो बहुत ज्यादा उनके अंदर रेड कलर की प्रधानता हुआ करती थी, ठीक है, और येलो जो कलर था वो मार्जिन्स पे, जैसे यहाँ बता रहे मार्जिन्स पे यूज हुआ करता था येलो कलर। ठीक है, इसके अलावा जो मेल फिगर्स एंड कॉस्ट्यूम कैसे होते थे, मेल्स की स्ट्रांग फिजिक होती थी, देख सकते हैं आप, लंबी मूंछ होती थी, स्ट्रांग फिजिक हुआ करती थी, बड़ी बड़ी आंखें, ठीक है, हाइट कम दिखाते थे, बड़े बाल दिखाते थे, ठीक है, टर्बन होती थी, इसके ऊपर क्रेस्ट, यानी कि हम जिस कलंगी की बात कर रहे हैं वो, तो एक टर्बन थी, इसके ऊपर एक कलंगी बनी होती थी इस तरह की, ठीक है, ये होते थे। इसके अलावा कॉस्ट्यूम स्लिट फ्रॉम द वेस्ट, अब इस वाली उसमें नहीं है, लेकिन दूसरी जो पेंटिंग्स वगैरह हैं उनके अंदर कॉस्ट्यूम कई बार वेस्ट से स्लिट होता था, फीमेल्स के अंदर भी मेल्स के अंदर भी, और एंड विद लॉन्ग इनसर्कल्ड पजामास, तो ये चूड़ीदार पजामास, इनसर्कल्ड पजामा नहीं, चूड़ीदार पजामा हुआ करते लंबे, तो चूड़ीदार, तो इस तरह की पेंटिंग्स बनाई जाती थी। ठीक है, और इसके अलावा जो फीमेल्स हुआ करती थी वो भी छोटी हाइट की होती थी, मोल ऑन द चिन, यानी ठुड्डी पर चिन हुआ करते, ठुड्डी पर इनके वो तिल हुआ करता था, तिल होते थे, लंबी नुकीली नाक हुआ करती थी, पतले होठ होते थे, थिन लिप्स, फ्लैशी फेस, मतलब भरा हुआ, इट्स नॉट लाइक जैसे जॉ लाइन बहुत प्रोमिनेंट हो, इस तरह के होते नहीं थे, थोड़े भरे भरे चेहरे हुआ करते थे, जकड़न जिसको कहते हैं ना, टाइट फेस, फ्लैशी फेसेस, टाइट, घाघरा ओढ़नी होती थी, खुले बाल रखते थे। इसके अलावा एक और चीज थी इनके अंदर, आईज हुआ करती थी, वो यूजुअली एक एक सब्जी आती है राजस्थान में, परवल, 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 ठीक है, तो परवल की जो 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 स्कूप्स होती हैं, फांक जिसको हम कहते हैं, उस तरह की आईज बनाया करते थे इस तरह से। ठीक है, तो ये भी था। अब वो परवल का मुझे इंग्लिश नेम मिला नहीं, वो मैंने कहीं हिंदी बुक में पढ़ा था इसलिए, तो मैंने आपको मैं मेंशन तो किया नहीं, लेकिन आपको वैसे बता रहा हूँ। ठीक है, तो परवल की जो आँख और काक जो उसका जो जो होता है फांक होती है, जो शेप जो कट एक पीस लेते हैं, उसकी तरह से आँख डिजाइन करी जाती थी यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा जो लीडिंग आर्टिस्ट थे आपके मेवाड़, इसके स्कूल की पेंटिंग के, आपके मेवाड़ के अंदर उदयपुर शैली के, साहिबद्दीन, मनोहर, कृपाराम, उमरा, नसीरद्दीन, ये सारे, तो ये नाम सारे पूछ सकते हैं। जो क्वेश्चन पूछा था 18 वाले मेंस के अंदर, वो पूछा था, वो प्री के अंदर, कि चार नाम दे देते, पूछा था कौन से उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो नसीरद्दीन का नाम दो बार लगातार आया है क्वेश्चन पेपर में, तो इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो दरोगा हुआ था, होकर वो एक चीफ पेंटर हुआ था। ठीक है, पॉइंटेड गार्ड, बिल्कुल पॉइंटेड गार्ड, मैं ध्यान नहीं ढूंढ रहा था, मेरे को मिला नहीं उस वक्त, तो पॉइंटेड गार्ड कहते हैं उसको, परवल को। ठीक है, तो उसी तरह से जैसे एक्चुअली वो हरे रंग की सब्जी होती है, वो इस पर यू होती है, इसको फिर वो ग्रुप बंधा हुआ होता है, फिर वो खोला जाता है, उसको एक एक फाक निकलती है उसकी, बड़ी अच्छी सब्जी बनती है, खट्टी मीठी सी। चलिए, तो दरोगा, दरोगा कौन था, चीफ पेंटर ऑफ द स्टेट, तो जो राज्य के अंदर या उस जैसे उस पर्टिकुलर स्कूल के अंदर जो पेंटर हुआ करता था, उस जो मेन पेंटर, चीफ पेंटर था, उसको दरोगा कहते हैं। जैसे दरोगा वाला जो टर्म है वो यूज होता है पुलिस के लिए ज्यादातर, अगर आप देखें तो हम पुलिस के लिए जो हेड ऑफ द पुलिस स्टेशन होता है उसके लिए दरोगा यूज करते हैं, कोतवाल जो कह लो आप। ठीक है, लेकिन दरोगा यहाँ पर यूज हुआ करता था मेवाड़ के अंदर एक उस व्यक्ति के लिए जो चीफ पेंटर होता था स्टेट का। ठीक है, और यहाँ मेन थीम्स कौन सी थी, सूरसागर के ऊपर गीत गोविंद, कृष्ण लीला, रॉयल कोर्ट्स, दरबार के जो चित्र बनते थे वो, इन सब के ऊपर मेन इनके चित्र बनाए जाते थे, ये आपके उदयपुर शैली का हुआ। ठीक है, चलिए इसके अलावा और क्या क्या था इसके अंदर, बुक्स काफी बुक्स डिपिक्ट, जैसे मैंने भागवत पुराण के बारे में बताया तो बहुत बुक्स डिपिक्ट होती थी इसके अंदर। ठीक है, नीले रंग का आसमान बनाया जाता था, ब्लू स्काई विद क्लाउड्स, कदम्ब के पेड़ बनाया जाता था, कदम का पेड़ ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कदम का पेड़, क्योंकि आपसे कई बार एक जगह पूछा जाएगा, क्वेश्चन बनते हैं ऐसे कि कदम के पेड़ किस शैली के फेमस है, आम के पेड़ किस शैली के फेमस है, ठीक है, बरगद का पेड़ किस शैली का फेमस है, तो ये भी मैच करने के लिए आ सकता है। ठीक है, तो कदम के वृक्ष आपके उदयपुर शैली के लिए होते थे, और एलिफेंट और चकोर बर्ड का भी बहुत ज्यादा, चकोर जो एक रोमांटिक एक बर्ड के हिसाब से आप मान लीजिए, तो चकोर जो रात को आवाज करती है, ठीक है, तो उस बर्ड को बहुत डिपिक्ट किया जाता था इनकी पेंटिंग्स में आपके उदयपुर शैली के अंदर, एलिफेंट्स को डिपिक्ट किया जाता था। देन आपके पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ पंचतंत्र,
जो ओरिजिनली विष्णु शर्मा ने लिखी थी उसका भी ट्रांसलेशन की भी उसकी भी बनाई गई थी क्या कहते हैं चित्र। इसके अलावा कलीला दामना, एक मेवाड़ की लव स्टोरी है कलीला दामना के बीच में, तो उसको भी पेंटिंग के जैसे ढोला मारू है, कलीला दामना है, इस तरह की सारी उनको डिपिक्ट करी गई है लव स्टोरीज उसके अंदर, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मुगल पीरियड में अबुल फजल ट्रांसलेटेड पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ पंचतंत्र आयरे दानिश, ठीक है, तो आयरे दानिश के अंदर इसी की बात हो रही है, ठीक है, आयरे दानिश के अंदर यहाँ पर इन्होंने इसके इमेजेस बनाई गई थी, तो ये सब आप ध्यान रख के चलिएगा। ये आपका उदयपुर शैली का हुआ है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है जाना, सारी डिटेल मैंने बता दी है आपको, सिंपल सा करना, एक माइंड मैप बनाना, माइंड मैप में नीचे लिख लेना मेवाड़ शैली, मेवाड़ में चार कॉलम बना लेना, जैसे ऐसे कर लेना, देखो ज्यादा डाउट होता है ना तो आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर, एक सेकंड, ये माइंड मैप बनाया आपने, ठीक है, यहाँ पर आपने बीच में लिखा मेवाड़, ठीक है, मेवाड़ के अंदर यहाँ लिख लिया उदयपुर, उदयपुर शहरी, जैसे मैंने पीछे फर्स्ट जो स्लाइड बताई थी उसके अंदर मेन मेन पॉइंट लिखना, फीचर्स कौन कौन से हैं, कौन से मेन आर्टिस्ट हैं, किसको गोल्डन एज कहते हैं, खत्म कहानी, एक खत्म, ऐसे आप नाथ द्वारा पे जाओगे ऐसे कर लेना, एक पेज पे पूरी और ऐसे ही याद होगी, इसके अलावा कोई चांस नहीं है आपको याद करने का कि याद रह जाए, ठीक है। इसी तरह से आप माइंड मैप बनाकर इसको याद कर सकते हो, दो चार बार इसको देखोगे याद हो जाएगी, वरना कभी याद नहीं रख पाओगे सारा, कभी साहिब दीन नाथ द्वारा में चला जाएगा, कभी आपका ये विष्णु आपका ये क्या नाम है नसीरुद्दीन आपका चावंड में चला जाएगा, कंफ्यूज होते रहोगे, तो ध्यान रखना, और एक और नसीरुद्दीन नसीरुद्दीन ये दो अलग अलग हैं तो और कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए ध्यान रखना, माइंड मैप बनाकर याद रखना। चलिए फिर आप कहते हैं नाथ द्वारा सब स्टाइल, अब नाथ द्वारा सब स्टाइल बेसिकली फेमस है आपके कृष्ण की वजह से, तो कृष्ण का यहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर है भगवान श्री कृष्ण का नाथ द्वारा का, जिसको हम कहते हैं आपके श्रीनाथ जी टेम्पल, श्रीनाथ टेम्पल जो है कृष्ण की ही वो है, ये श्रीनाथ जी की ही मूर्ति वो इमेज है पूरी, तो श्रीनाथ जी की पेंटिंग्स बनाई जाती थी नाथ द्वारा सब स्टाइल के अंदर, इसीलिए एक अलग से शैली बनकर आई है इसकी, और इसके अंदर उदयपुर और ब्रज स्टाइल का दोनों का बहुत ज्यादा आपको वो देखने को मिलता है कॉम्बिनेशन, तो ब्रज इसीलिए कि कृष्ण कोई मथुरा से वृंदावन से शिफ्ट होके आए थे, तो इसलिए ब्रज का स्टाइल तो वही रहा, ब्रजी स्थान था उनका पूरा, तो यहाँ पर इसलिए वे फेमस रहे, तो ब्रज स्टाइल इसलिए देखने को मिलता है। अब हुआ क्या था औरंगजेब के टाइम पर, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि औरंगजेब के टाइम पर बहुत हद तक यहाँ पे वहाँ पर मंदिर तोड़े जा रहे थे, तो वहाँ जो दाऊजी महाराज थे जो कृष्ण जो वृंदावन के अंदर जो आपके जो श्रीनाथ जी की मूर्ति की जो उनकी जो देखभाल करा करते थे या जो पूजा करा करते थे उस मंदिर के अंदर, तो वहाँ पर होने क्या लगा कि जब मंदिर तोड़े जाने लगे तो वो उस मूर्ति को लेकर राजस्थान की तरफ आए, और जैसा कि आपको मैंने बताया था कि बैलगाड़ी में लेकर आए थे दाऊजी महाराज, और जैसे उनकी गाड़ी अटक गई तो उनको लगा भाई भगवान चाहते हैं यही उनका मंदिर निर्माण करवाया जाए, उस टाइम पे मेवाड़ के महाराणा राज सिंह थे उनको पता चला तो बड़े खुश हुए कि मैं बनवाऊंगा ऐसा मंदिर, तो बड़ा ही विशाल एक मंदिर उन्होंने बनवाया। आपको मैंने बताया था उनके मंदिरों को हवेली कहा जाता है, ठीक है, जहाँ से हवेली संगीत निकलता है, ठीक है, हवेली कहा जाता है, जो मंदिर में जो संगीत बजता है उसको हवेली संगीत कहा गया। ऐसे ही यहाँ पर इनके मंदिर को हवेली इसलिए कहते हैं कि घर की जैसे शेप में मंदिर बनाए गए थे, मकान लगता था पूरा देखने में, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मंदिर ज्यादा भव्य बने उस वक्त, वरना औरंगजेब अटैक कर सकता था, मंदिर तोड़ देता, तो घरों की तरह से मंदिर बनाया गया, तो उनके मकान को भगवान के जो मंदिर था उसको हवेली कहा जाता था, इसीलिए हवेली संगीत हुआ, इसीलिए हवेली इनका और पंचायतन शैली में बने हुए मंदिर, सारी बातें आपको मैंने बताई थी, ठीक है, तो रिमेंबर दिस, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके मेवाड़ के, जब भी आप इनकी बात करेंगे श्रीनाथ जी की इंटरव्यू में भी बताना पड़ सकता है सारी चीजें, ठीक है, तो ये इन्होंने शुरू करवाया। एक्सक्यूज मी, फिर यहाँ पर आपको मैंने बताया कि कृष्ण के बहुत ज्यादा प्रिडोमिनेंस है, तो वही चीज क्योंकि कृष्ण के ऊपर है पूरा, तो प्रिडोमिनेंट थीम है, और जहाँ पर यशोदा मैया के बारे में पेंटिंग्स मिलेंगी, नंद के बारे में, ग्वाल बाल जो कृष्ण के मित्र थे, गोपीज जो बिलाविट्स थी कृष्ण की, उनके पर जैसे पूरा रासलीला बनाई हुई देख सकते हैं पूरा, और इन पेंटिंग्स को कहा जाता है पिछवाई पेंटिंग्स, ठीक है, ये चीज मैंने मेंशन नहीं करी क्योंकि मुझे बतानी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी, पिछवाई पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछवाई क्यों, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ना ये एक्चुअली पेंटिंग ही है, तो कृष्ण जो श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है उसके पीछे नरसिंह राम जी, मैं हिंदी में ही तो पढ़ा रहा हूँ, मैं तो सब कुछ हिंदी में ही बता रहा हूँ, पीडीएफ इंग्लिश में है, बाकी सारा हिंदी में ही पढ़ा रहा हूँ मैं, एकदम शुद्ध हिंदी की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है, चलिए, तो जो कृष्ण जो आपके जो श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है इसके पीछे पर्दे लगे हुए होते हैं, एक्सक्यूज मी, ठीक है, तो उन पर्दों के ऊपर ये बनाई हुई होती है पेंटिंग, इसीलिए इनको पिछवाई कहते हैं, कृष्ण की मूर्ति के पीछे इसलिए पिछवाई, और वहाँ पूरा पूरा उनकी कृष्ण की लीला, जो कृष्ण जन्म से लेके और कंस वध तक, उसके बाद महाभारत के युद्ध के बारे में कई जो उनका विश्व रूप दिखाया था उन्होंने अर्जुन को, उस तरह की बहुत सी पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, तो उसको हम पिछवाई पेंटिंग कहते हैं इसीलिए, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, पिछवाई पेंटिंग वही चीज़ है, तो ये एक्चुअली पेंटिंग के पीछे का ही पार्ट है जो आपको मैंने इमेज डाली हुई है, जो पर्दे जिस तरह के बनाए जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा अच्छा एक चीज और आपसे एक पूछ सकते हैं चीज की, जो कृष्ण का जो ये जो आपके मंदिर है नाथ द्वारा स्टाइल जो सब स्टाइल है, इसके अंदर कृष्ण की जो शिव जो पूजा होती है बाल रूप में होती है, बाल रूप, चाइल्ड फॉर्म,
ठीक है, कृष्ण को बाल रूप में मानकर, चाइल्ड फॉर्म में, बाल रूप में, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये इसमें पूजा की जाती है कृष्ण की नाथ द्वारा के अंदर। और ये वल्लभ संप्रदाय, दाऊजी महाराज जो वल्लभ संप्रदाय के वो प्रणेता थे, तो उनके उनके दौरान ही ये बहुत ज्यादा इनका इनकी प्रधान पीठ है नाथ द्वारा, ठीक है। आपको मैंने ये भी बताया था कि कृष्ण को सात ध्वजों का नाथ, इसीलिए श्रीनाथ मंदिर को ही सप्त सप्त ध्वजा कहते हैं, स्वप्त ध्वजा, सात उनकी जो कृष्ण सात मंदिर है अलग अलग, मदन मोहन का मंदिर है, कामा का मंदिर है, भरतपुर का, द्वारकाधीश मंदिर, सबकी जो एक एक फ्लैग की वो इमेज दिखती है इसके अंदर, सप्त ध्वजा इसीलिए कहते हैं, ठीक है, स्वप्त ध्वजा नाथ पूरा नाम। तो ये ध्यान रखिएगा सारी चीजें। तो कृष्ण के चाइल्डहुड एक्ट्स जो एक्शंस थे उसको बहुत डिफाइन डिफाइन किया जाता है, इसलिए बनाई गई थी, ठीक है। इसके अलावा प्रोमिनेंट पेंटर्स कौन कौन थे, नारायण, चतुर्भुज, घासीराम, उदयराम, रामलिंग, देव कृष्ण, चंपालाल, हरदेव, हीरालाल, रामचंद्र बाबा, बिठूल, ये सब लोग, ठीक है। रिवीजन के लिए नरसिंह राम जी आपको मेरे साथ नोट्स बनाने पड़ेंगे क्लास के अंदर लाइव, या तो तभी कर पाएंगे थोड़ा सा, या फिर जो हिंदी फैकल्टी है आपको थोड़ा उनसे हेल्प लेना पड़ेगा, उनके वीडियो से हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो ये कुछ इसमें से दो तीन चार नाम ध्यान रख लेना, ज्यादा नहीं, क्योंकि मेन तो जो नाम आपको मैंने पहले बताए थे मेवाड़ शैली के अंदर वो इंपॉर्टेंट ज्यादा है, उनसे ज्यादा पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इससे बहुत लेंदी हो जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो ये आप तीन चार नाम ध्यान रख लेना, बाई चांस नाथ द्वारा शैली पूछते उसमें मेंशन करना। और नाथ द्वारा शैली में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है, येलो और ग्रीन कलर यूज होते हैं, ठीक है, और लेमन येलो इन द बैकग्राउंड, जो हल्का पीला रंग होता है ना उसको बैकग्राउंड में यूज करते हैं। इसके अलावा जो मेल फिगर्स होते हैं, जो कृष्ण की जो मेल फिगर्स होंगे, इसके अलावा दे हैव बीन शोड मैच्योर्ड बींग्स एंड मैन आर आइडेंटिफाई बाय देयर तिलक, तो तिलक लगाया जाता है और मैच्योर्ड बींग्स बनाए जाते हैं, ठीक है। रामलिंग, अच्छा वो उसमें चला गया होगा, वो ब्लॉक में मेरी वो इमेज के पीछे चला गया। रामलिंग के बाद देव कृष्ण और चंपालाल, ये दो नाम है, ठीक है, चंपालाल, देव कृष्ण और चंपालाल। चलिए फिर इसके अलावा यहाँ पर फीमेल फिगर्स में बहुत ही मेच्योरिटी दिखाई जाती है, शॉर्ट स्टेचर, छोटा कद, जो कि उसकी भी पेंटिंग थी आपकी मेवाड़ ऋषि की, फिजिकली वोलप्शियस, मतलब भरी हुई तस्वीर होती है उनकी, इन द सेंस जो फिजिकलिटी जो दिखाते हैं वो बहुत ज्यादा अपीलिंग होती है, ठीक है। और आंखों के अंदर ऐसा हिंट मिलता है कि जैसे बहुत ही लव लॉर्न है, ठीक है, लव या फिर लेजीनेस है, ठीक है, लेट बैक, जैसे मतलब एक तरह से हल्की सी थकावट, उस तरह की जो डिपिक्शन दी जाती है, ठीक है। तो रोमांटिसाइज करने के लिए, कृष्ण और जो गोपियों के बीच रोमांटिसाइज करने के लिए ऐसा बताया जाता है, या कृष्ण ध्यानमग्न होने वाले हैं उस तरह की चीज बताई जाती है, ठीक है। और मंगलसूत्र अराउंड द नेक फीमेल्स के अंदर, ये चीज ध्यान रखिएगा। डेंस ग्रीनरी, हरियाली बहुत होती है, और बनाना ट्री, तो वहां पर कदम्ब का पेड़ था, यहाँ आपके केले के पेड़ की प्रधानता होती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, बनाना ट्री। पिछवाई और म्यूरल पेंटिंग जो मैंने बताया बनाई जाती है, इसके अलावा गोवर्धन को पर्वत को उठाने वाला, जो कृष्ण की ये वाली फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, गोवर्धन, ये जो कृष्ण का जो पूरा ये जो हाथ ऊपर है, ये गोवर्धन डिपिक्ट, उसको पर्वत उठाया हुआ था, इस तरह से बनाया गया है, ठीक है। इसके अलावा कृष्ण को मक्खन खाते हुए दिखाया गया है, रास बचपन की जो बाल लीला थी उनकी, गाय का स्केच बनाया जाता है कृष्ण के साथ, और हवा में जो गॉड्स बैठे होते हैं, जैसे वो होते हैं ना आप पुराने, जैसे रामायण वगैरह आपने देखी होगी, तो वो हवा में आकर और आशीर्वाद दे रहे होते हैं, या फूल पुष्प वर्षा कर रहे होते हैं, उस तरह की, तो वो सारी पेंटिंग इसमें बनाई गई है, कहाँ पर, आपके नाथ द्वारा शैली में। तो ये सारी नाथ द्वारा शैली की प्रोमिनेंट फीचर्स हैं। फीचर्स आप डिटेल में, मैं जो मैक्सिमम डिटेल्स आपको उससे दे रहा हूँ मैं, क्योंकि बाई चांस अगर दो या पांच नंबर पूछ लें एक पर्टिकुलर उसके ऊपर, तो नंबर कहीं कटने नहीं चाहिए यार, तो आप पांच नंबर के हिसाब से इनको जरूर प्रिपेयर कर लो, क्योंकि सब स्टाइल्स को, और ओवरऑल स्टाइल में आपको पूरा मेवाड़ शैली 10 नंबर में प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो आप 100 वर्ड में और 50 वर्ड में, भाई मेवाड़ नाथद्वारा और सॉरी उदयपुर नाथद्वारा चावंड और आपके देवगढ़ को आप 50 वर्ड में कर लो, और 100 वर्ड के अंदर ओवरऑल पूरी मेवाड़, जिसमें सबके फीचर और सबकी प्रोमिनेंट आर्टिस्ट दो दो, और प्रोमिनेंट आपके क्या कहते हैं जो पेंटिंग स्टाइल्स हैं, जैसे गोवर्धन और ये सब, ये उसमें बताते जाओ, तो आपका आंसर कंप्लीट लगे, किसी भी एंगल से इनकम्प्लीट नहीं रहेगा। 10 में से 7 या 8 नंबर लाने का यही एक तरीका है। चलिए, और पूरा फैक्चुअल पेपर है, मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो, आप राजस्थान का मैप बना देना, ऐसे ऐसे मैप बना देना पूरा राजस्थान का, और बता देना भाई ये देवगढ़ वाला पार्ट है, ये मेवाड़ है, यहाँ देवगढ़ है, इधर आपके क्या कहते हैं यहीं से मेवाड़ शैली का उद्भव हुआ था नाथ द्वारा मेवाड़ के, तो एकदम स्पॉट ऑन द पिन पॉइंट, गूगल मैप तो बनाने नहीं है आपको, रफ मैप बनाना, बताना देवगढ़ और आपके क्या कहते हैं चावंड शैली यहीं पर थी, खत्म बात, आपके मैप के साथ भी हो जाएगा, तो नंबर काटने का बात ही नहीं बचेगा। अब आता है आपके देवगढ़ सब स्टाइल, अभी वो देवगढ़ सब स्टाइल के अंदर बहुत ज्यादा एकदम स्ट्रांग डिविजन नहीं है, सब डिविजन नहीं है, लेकिन फिर भी इसको डिवाइड करके अलग से बांध सकते हो। अब कैसे बनाना होगा, तो देवगढ़ के अंदर क्या है, जो इसको जो इसका जो उदय हुआ था वो हुआ था महाराणा जयसिंह के टाइम पर, ये चूंडावत नहीं है, यहाँ पर चूंडावत द्वारिका सिंह के आ गई है, ये महाराणा जो जयसिंह थे उनके टाइम पर बहुत ज्यादा यहाँ पर इसका उत्थान हुआ था देवगढ़ शैली का। और द्वारिका सिंह चूंडावत नाम के एक ठिकानेदार थे जिन्होंने 1680 में देवगढ़ ठिकाने की स्थापना की थी, और वो 16वें उमराव कहलाते थे। आपको मैंने बताया था राजस्थान हिस्ट्री जब पढ़ रहे थे,
कि जो मेवाड़ में जो सामंतवादी जो वादी जो व्यवस्था थी उसके अंदर तीन चार तरह के सब डिविजन थे, तो 32, 16 गोल और जो सापू और जो ऊपर किंग होता था, तो चार सब डिविजन हुआ करते थे सामंतों में भी ऐसे। तो ये 16वें उमराव थे, ठीक है, तो जिन जो देवगढ़ ठिकाने के 16वें उमराव माने जाते थे, ठीक है। तो ये इनके टाइम पर जो आपके जो देवगढ़ शैली थी, वो द्वारिका सिंह चूंडावत जो 1680 में देवगढ़ की स्थापना की थी, उनके टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हुई थी। और यहाँ पर एक म्यूरल पेंटिंग्स बनाई जाती थी, म्यूरल मतलब जो आपकी दीवार वगैरह पे बनाई जाती है ना पेंटिंग, म्यूरल, उनको म्यूरल कहते हैं। और इन्होंने जैसे आपके चितेरों की ओबरी संग्राम सिंह के टाइम पर थी वहां पर, ठीक है, तो यहाँ पर अजारा की ओबरी इन्होंने बनाई थी, ठीक है, अजारा की ओबरी पेंटर लेते, या मोती महल जहाँ पेंटिंग सिखाई जाती, पेंटिंग के स्कूल्स थे ये, मोती महल कह लो या आपके अजारा की ओबरी कह लो, दो खोले गए थे यहाँ पर। इट इज अ कोऑर्डिनेटेड स्टाइल ऑफ मारवाड़, जयपुर एंड मेवाड़। तो मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर शैली का मिला जुला वो है इसके अंदर। सर 16वें ऐसे ही लिखा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 16, 32 और गोल, हिंदी में भी ये लिखना पड़ेगा, इंग्लिश में भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेवाड़ के अंदर इंग्लिश तो चलती नहीं थी, तो मेवाड़ के टाइम पे इंग्लिश तो थी नहीं, वो 1632 और राउंड करते। तो गोल से भी उनका मतलब था जो आपके विच वर बॉर्न आउट ऑफ राजपूत प्रिंसेस आउट ऑफ देयर वेडलॉक, तो कर्टिजियंस के साथ या पड़दाए थे, पासवान जो गणिकाएं हुआ करती थी उनके थ्रू जो पैदा होते थे उनको गोल कहा जाता था, ठीक है। तो ऐसे ही अलग अलग वो उनको रीजन दिए हुए थे मैनेज करने के लिए। तो 16, 32 और गोल ये आपको सब हिंदी में लिखना पड़ेगा, ये मेवाड़ के जो सामंतवादी व्यवस्था थी उसका नाम था, उसको बाइफरकेट किया जाता था इस तरह से, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब तो इन्होंने इसके अंदर मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर शैली का मिला जुला स्टाइल देखने को मिलता है आपका, ठीक है। तो एक तरह से एक डिफंक्ट स्टाइल है जो पूरा कॉमन है इसके अंदर। फिर आपके जो अच्छा इस शैली के बारे में हमको जानकारी मिली श्रीधर अंधारे नाम के व्यक्ति के, तो श्रीधर अंधारे नाम के जो व्यक्ति थे उन्होंने राजस्थान सरकार को बताया कि भाई ऐसे ही एक मेवाड़ शैली के अंदर एक उप शैली है जिसके अंदर जो ना तो पूरी तरह मेवाड़ की है, ना मारवाड़ की है, ना जयपुर की है, लेकिन सबका मिला जुला पार्ट है। तो इसको आप मेवाड़ शैली के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा क्लोजनेस उसकी मेवाड़ शैली से थी, तो मेवाड़ के अंदर एक सब स्टाइल बना दो आप। तो उनकी राजस्थान सरकार ने उनकी बात मानी भी और ये इन्होंने एक नई शैली के बारे में लोगों को बताया, राजस्थान के लोगों को, ठीक है। तो ये श्रीधर अंधारे ने ये इसको सबसे पहले इसके बारे में बताया था। इसके बारे में आपको बहुत नेचुरल सराउंडिंग्स देखने को मिलेंगी, मतलब जंगल और नेचर के बहुत ओरिएंटेड पेंटिंग्स मिलती हैं, हंटिंग सीन्स शिकार किए हुए यहाँ पर भी मिलते हैं, ठीक है। रॉयल लाइफस्टाइल इन पैलेसेज एंड हैज बीन डिपिक्टेड मैजेस्टिकली, बड़ी खूबसूरती से यहाँ पर आपके क्या होता है जो रॉयल लाइफस्टाइल, जो राजे रजवाड़े जिस तरह से रहा करते थे, उनके शिकार का जो वर्णन था वो, या जो दरबार हुआ करता था उसके बारे में, जो उनके राजसी ठाठ बाट थे, ठीक है, तो उसके बारे में, नेचुरल सराउंडिंग्स के बारे में सारी पेंटिंग्स बनाई जाती थी। तो ये यहाँ पर सारी जानकारी इनको देखने को मिलती है, इसलिए बड़ा एक डिस्टिंक्ट स्टाइल रहा है यहाँ, ठीक है। यहाँ पर मोटी लाइनों का यूज होता है, जैसे मतलब जो 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 बॉर्डर्स वगैरह बनाते हैं या जो आउटलाइन करते हैं वो बहुत ब्रॉड होती है, ठीक है, पतली नहीं होती, वो ब्रॉड होती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और येलो कलर को बहुत ज्यादा यूज करते हैं लोग, डोमिनेंटली यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मेल एंड फीमेल फिगर होती है वो जोधपुर स्टाइल ऑफ पेंटिंग से बहुत मिलती है। तो जोधपुर का स्टाइल हम कल करेंगे मारवाड़ के अंदर, मारवाड़ वाला ही जोधपुर स्टाइल है, ठीक है, तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, तो वो सेम फिगर्स यहाँ पर रहेंगी। बट आपको डिटेल दिखोगे यहाँ पर, देखो मैंने बताया ना मेवाड़, मारवाड़ का भी इन्फ्लुएंस था इसके ऊपर, तो जो फिगर्स थी वहाँ पे जो आदमी और औरतें जैसे बनाए जाते हैं वो इसी तरह बनाई जाती है, ठीक है। और इसके अलावा लीडिंग आर्टिस्ट जो थे यहाँ के, चोखा, बैजनाथ, हर्षचंद्र, ये यहाँ के सबसे बहुत फेमस आर्टिस्ट रहे थे इनके नाम के। नरसिंह जी मेरे को हिंदी में एक्चुअली टाइप करना आता नहीं है यार, तो आई एम रियली सॉरी, मैं आपको हिंदी में प्रोवाइड नहीं करवा पाऊंगा, ये आई रियली डोंट नो हाउ टू टाइप इन इंग्लिश। आप यहाँ से आप इनको लेकर देख सकते हैं, मैं मतलब आप वैसे इनको आप हिंदी में बनाना चाहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैं हिंदी में दे नहीं पाऊंगा, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। चलिए फिर आपके चौथा जो और लास्ट स्टाइल आता है जोधपुर की, पढ़ के डिटेल यार देखिए अंकुर, एक्चुअली चक्कर क्या है कि आपका ये जो क्वेश्चन है देवगढ़ का, ये 5 नंबर में मैक्सिमम आएगा, उसके बारे में अगर आप ये सारी चीजें बता दोगे ना तो आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। छोटा सा आप एक दो लाइन डालना, एक दो वर्ड डालना चाहो तो, लाइन भी नहीं कह रहा हूं, एक दो वर्ड डालना चाहो तो डाल देना जोधपुर स्टाइल वाला, यहां से आप लिखना चाहो वहां से आप ले लेना, ऐसा कोई इशू नहीं है, डालना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो नॉर्मल यही होती है कि लंबी आंखें होती हैं, ठीक है, बारीक नक्श नयन होती है, फिंगर पतली पतली होती है, ये सारी बेसिक चीजें होती हैं, वो जोधपुर शैली में भी होंगी, तो वहां डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, ठीक है। अदरवाइज कोई बहुत ज्यादा, क्योंकि इतनी डिटेल बहुत है ना, 5 नंबर में दिस इज मोर देन 50 वर्ड्स, ये सब चीजें भी ना मोर देन 50 वर्ड्स हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाकी सब हाँ भाई, वो तो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है ना नाथ द्वारा, और वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रहे हैं, ये तो बहुत छोटे छोटे सब स्टाइल हैं इसलिए, ठीक है। चलिए फिर आपके आता है चावंड का सब स्टाइल। तो जो चावंड सब स्टाइल है वो भी, चावंड जो मेवाड़ी कैपिटल बनी थी लेट 16 सेंचुरी के अंदर,
जब आपके महाराणा प्रताप ने उसमें बताया था, तो इसमें भी ले सर लेते हैं तो माइंड मैप अच्छा बन जाएगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल आपको जैसे सूट करे, आपको जैसे याद रहे वो सारी चीजें वैसे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। आप माइंड मैप के अंदर सारा आराम से बना सकते हैं, बिल्कुल डालना चाहे तो डाल सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, सारा आसानी जैसे आपको याद रहे, व्हाटएवर सूट्स यू। मैं क्या बहुत ज्यादा डेटा उसी को रिपीट करता, कल भी आदमी, इसलिए मैंने वो नहीं किया, अदरवाइज डेटा बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, तो फिर आप लोग बिल्कुल बिल्कुल जब सारी चीजें एक ही प्लेटर पे मिल जाती है तो आप लोग बिल्कुल मेहनत नहीं करोगे, थोड़ी सी मेहनत आप लोग इसलिए करिए ताकि आप उस चीज के अंदर सारा डाल पाए उसको। ओके चलिए, तो ये मेवाड़ की कैपिटल बनी थी महाराणा प्रताप के टाइम पर, महाराणा प्रताप के आजीवन काल तक चावंडी कैपिटल रही उनकी, काफी टाइम तक वो चावंड में उन्होंने राज किया था पूरा, जब जब भी सेटल करने लगे उन्होंने पूरा। ठीक है, तो मेवाड़ पेंटिंग वॉज प्रेजेंट इन चावन स्टाइल सिंस देयर ऑन। ठीक है, मोस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग्स वर मेड हियर, सबसे ज्यादा जो पेंटिंग बनाई गई है पूरी उदयपुर शैली में, मेवाड़ शैली में, वो आपके चावंड में ही बनाई गई, चावंड की शैली में ही बनाई गई है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक रागमाला सेट है, तो रागमाला सेट जो है वो भी नसीरुद्दीन, ये नसीरुद्दीन है ये ध्यान रखना, वो नसीरुद्दीन था, ये नसीरुद्दीन है, तो वो अलग है, वो आपके उदयपुर शैली में था, ये आपके चावंड शैली में, तो कंफ्यूज मत होइएगा इसको। ठीक है, हाय सौरभ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, नसीरुद्दीन जिसने 1605 के अंदर महाराणा और जो महाराणा अमर सिंह के टाइम पे बनाया था। अच्छा एक चीज मैं बताता हूँ आपको कि महाराणा अमर सिंह के टाइम को वो पूरे जो राजपूताना जो मेवाड़ का जो काल है उसका स्वर्ण काल कहा जाता है, आर्ट आर्किटेक्चर का, आर्ट कल्चर सबका। तो मेवाड़ का महाराणा जो अमर सिंह का जो काल है पूरे आर्ट एंड कल्चर के लिए स्वर्ण काल माना जाता है, लेकिन पर्टिकुलर पेंटिंग के लिए वो संग्राम सिंह वाला माना जाता है, जो आपको मैंने पहले बताया था, वो ध्यान रखिएगा। तो वहां कंफ्यूज मत कर जाइएगा कि सब दो दो अलग अलग चीज रिपीट हो रही है। तो मेवाड़ के जो महाराणा अमर सिंह थे उनका, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, मुगल्स के साथ संधि करने के बाद एक राज्य को स्थिरता दी थी, एक स्टेबिलिटी आई थी मेवाड़ के पूरे उसके अंदर, वरना बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा ये सब चल रहा था, युद्ध वगैरह हो रहे थे। उदय सिंह के टाइम पर भी देख लो आप, प्रताप के टाइम पे भी देख लो आप, सांगा के टाइम पर भी देख लो, बाबर के आने के बाद से लगातार बहुत लड़ाइयां चल रही थी, तो स्टेबिलिटी नहीं आ पाई थी। तो जब मुगल्स के साथ संधि हो गई थी जहांगीर और अकबर के साथ अमर सिंह की, जो उन्होंने हालांकि दबाव में की थी अपने सामंतों के ताकि राज्य में स्थिरता आ जाए, तो उसका फायदा मिला, इसीलिए उन्होंने फिर आर्ट कल्चर के ऊपर, आर्किटेक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। तो इसीलिए पूरे आर्किटेक्चर आर्ट कल्चर के अंदर अमर सिंह को माना जाता है, सिर्फ पेंटिंग्स का आएगा तो वो संग्राम सिंह का था, वहां पर मेंशन है फर्स्ट प्लेयर उसके अंदर। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो महाराणा अमर सिंह का गोल्डन इसका माना जाता है। फिर आपके मेवाड़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स डेवलप्ड चावन स्टाइल इन 17th सेंचुरी, तो इसका 17th सेंचुरी में उद्भव हुआ था, किसका, चावन के सब स्टाइल का, अंडर मेवाड़ पेंटिंग्स के अंदर। ठीक है, इसके अंदर भी भागवत पुराण डेपिक्टेड बाय साहिदीन 1648 में उसने बनाई थी, रामायण 1649 में उसने बनाई थी, तो रामायण के भी चित्र अलग अलग, उनका भी चित्रण किया था साहिदीन वगैरह ने। तो ये सारी चावन शैल के बारे में 50 वर्ड्स इनफ है, इससे ज्यादा कोई आवश्यकता है नहीं आपको देने की, मोर देन इनफ। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपके कुछ जो एक लिस्ट है, ये कुछ फेमस आर्टिस्ट थे जिन्होंने जो टेक्स्ट बनाए और जिनके बारे में आपको आई थिंक प्री के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है पता होना चाहिए, और कौन सा आपका वो रूलर था उस वक्त जिसके टाइम पर ये बनाए गए, तो ये आप ध्यान रखिएगा। सर आप इंग्लिश में क्यों लाते हो नोट्स जबकि कोई मैथ स्टूडेंट हिंदी में पढ़ने वाले होते हैं? देखिए मनीष जी, मैक्सिमम होते हैं पर 100% नहीं होते हैं, तो वो जो छोटा सा जो 10% का जो आप मान के चल रहे हो ना, वो कैटेगरी आपको कम लगती है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो इंग्लिश मीडियम में, मैं खुद इंग्लिश मीडियम का हूँ तो मुझे पता है कितनी प्रॉब्लम आती है नोट्स के लिए, इसीलिए मैं इंग्लिश में लेके आता हूँ ये। तो आई एम टिपिकली टेकिंग ऑल दीज क्लासेस, मैक्सिमम जो मेरा जो फर्स्ट प्रोफाइल देखोगे वो मैक्सिमम मैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ही कर रहा हूँ, तो उनको बिल्कुल कहीं कुछ मिलता नहीं है पढ़ने के लिए, दैट इज द रीजन। ओके, नो हार्ड फीलिंग्स फॉर फ्रॉम योर साइड, बट स्टिल ये करना पड़ता है, क्योंकि सब चीजें सिर्फ हिंदी मीडियम वाले ही पढ़ेंगे तो फिर इंग्लिश मीडियम वाले कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए, बिल्कुल कुछ मिलता नहीं है पेपर लिखने के लिए उनको, इसीलिए। ठीक है, चलिए, ये सभी वीडियो बार बार देख रहा हूँ, बिल्कुल देख लेने चाहिए, जरूरी रहेगा, वीडियो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, काफी चीजें याद रहती है, वीडियोज विजुअली बहुत चीजें याद रह पाती हैं। तो आर्टिस्ट हीरानंद जो था उसने बनाई थी आपके सुपार्श्व चरितम, जो मैंने आपको बताया था सुपार्श्वनाथ चरितम, सुपार्श्व चरियम, कैसे भी नाम याद रखते हैं, महाराणा मोकल के समय लिखी गई थी। ठीक है, गुड फॉर आरएएस। यार लुसेंट किस क्या पढ़ना चाहते हो लुसेंट से आप, तरुण आप ऐसी क्या चीज पढ़ना चाहते हो लुसेंट से जो आपको बाकी चीजों में नहीं मिल पाएगी? ठीक है, हीरानंद, कमल चंद्र थे, उन्होंने लिखी थी श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी 1260 वाली। ठीक है, तो ये ध्यान, तेज सिंह के टाइम पर। फिर साहिब दीन ने बनाई थी आपके रागमाला, रसिक प्रिया, भागवत पुराण, जगत सिंह के टाइम पर। बेसिक पढ़ने हैं तो एनसीआरटी करो ना, तरुण क्यों पढ़ते हो आप, आपके लुसेंट गलतियां हैं थोड़ी उसके अंदर, पर मैं ये गलतियों की बात नहीं, एक्चुअली बेसिक्स पढ़ना ही है तो फिर प्रॉपर जगह से पढ़ो ना। लुसेंट ने क्या कर रखा है आपके एनसीआरटी के वो क्रक्स लेकर बना रखा है, लेकिन उसने उसके पॉइंटर्स में दे रखा है, डिटेल नहीं दे रखी है उसके बारे में।
तो पॉइंटर्स से बेटर रहेगा कि आप उस चीज को डिटेल में एक बार पढ़ लो, वो आसान रहेगा, ज्यादा आपको समझ में आएगा, उसके प्रॉब्लम नहीं रहेगी ना कि आपको फिर आप, क्योंकि आपसे पॉइंटर्स पढ़ोगे तो अब याद नहीं होती ना चीजें। इसीलिए मैं कहता हूँ कोई भी चीज सॉल्व करनी है या कोई भी चीज प्रिपेयर करनी है तो कभी भी आप एमसीक्यूज वाली बुक से प्रिपेयर मत करने लग जाना। प्रिपेयर करते टाइम आप कभी उसको याद नहीं रख पाओगे, आपको सिर्फ वही उसी बुक में जरा समझ में आता है कि भाई मैं उसको प्रिपेयर कर लूँ वहां से, वो कभी भी उसके अलावा कई क्वेश्चन देखोगे वो आंसर नहीं कर पाओगे उस चीज को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आप प्रिपेरेशन के अंदर आपको पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी पढ़ो या जो ऑथेंटिक टेक्स्ट है वो पढ़ो, आप एलुसेंट वगैरह पढ़ोगे कंफ्यूज होगे, मेरे हिसाब से वो रिवाइज करने के लिए फिर भी ठीक है, अदरवाइज कोई काम की नहीं होती है कि बुक्स, आप ऑथेंटिक बुक्स और जो ओरिजिनल मटेरियल है उसको पढ़ने से ज्यादा आपको कोई चीज बेटर, आपको कभी ऐसे नहीं कोई और चीज पढ़ने से फायदा होगा, इसलिए ठीक है। फिर आपके आते हैं साहिब दीन का मैंने बता दिया, फिर आपके साहिब दीन ने ये जगत सिंह के टाइम पर लिखा था, इसके अलावा राज सिंह के टाइम पर साहिब दीन ने आपके शुक्र क्षेत्र महात्मा ब्राह्मण गीत सार ये सारे बनाए थे, ठीक है, इसके पेंटिंग बनाई थी, ये ब्राह्मण होना चाहिए, सॉरी भ्रमर गीत सा ये किताब का नाम था उनकी जिन्होंने पेंट करी थी वो वाली, ठीक है। इसके अलावा जगन्नाथ ने बिहारी सतसई आर्ष रामायण ऐसे लिखते हैं आर्ष, ठीक है, हिंदी में आर्ष रामायण, और मनोहर और साहिबदीन ने ये बनाई थी आपके संग्राम सिंह के टाइम पर, ठीक है। सर एक मंथ में जीके का कितना स्कोर सिक्योर कर सकते हैं एसीएफ में? भैया ये तो आपकी पढ़ाई पर डिपेंड करेगा यार, इसीलिए तो ये तो आपको कितना आप डिपेंड करता है, कितना पढ़ पाते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब हालांकि एक मंथ के अंदर देखो जीके डिसाइडिंग फैक्टर है, मैंने पहले ही बताया था आपके फर्स्ट क्लास दी थी, सब्जेक्ट सब लोग पढ़ रहे हैं एसीएफ के अंदर, सब लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जीके और इंग्लिश ये दो चीज हैं, ये दो चीज डिसाइड करेंगे आपकी रैंकिंग बेहतर कैसे हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा सर। बस तो जीके और इंग्लिश आपकी रैंकिंग डिसाइड करेंगे, तो जीके अगर खराब है तो रिस्क ज्यादा रिस्क के ऊपर हो आप थोड़ा सा, इंग्लिश और जीके बहुत फायदा करते हैं अगर रैंकिंग लाने के अंदर, क्योंकि इसके 200-300 पोस्ट है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो इसके अंदर 200-300 पोस्ट के अंदर कहाँ आप मतलब सब सब्जेक्ट पढ़ी रहे, एनवायरमेंट इकोलॉजी 90% लोगों के पास है, एनवायरमेंट इकोलॉजी 90% लोग पेपर देने इसके अंदर, तो कहीं ना कहीं वो एकदम स्क्वायर ऑफ हो ही जाएगा, ठीक है। यार अब देखो इंडिया पोर्शन आप मानो, आप इंडिया पोर्शन मतलब इंडिया ज्योग्राफी हिस्ट्री सब कुछ ही आप हटा रहे हो तो बहुत दिक्कत है यार, आपको कवर तो करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं हो सकता बॉस। एग्जाम का मतलब ये नहीं है कि आप चीज़ें ज़्यादा छोड़ के जाओ, कम छोड़ के जाओ, उसमें से कुछ टॉपिक छोड़ जाओ समझ में आता है, पूरा इंडिया पूरा आप छोड़ जाओगे तो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो आप, बहुत बड़ा मतलब छोटा मोटा नहीं है, ठीक है। जैसे मोदी जी ने 370 हटाने में रिस्क लिया था ना, वैसा ही रिस्क है, ध्यान रखना आप इस चीज़ को, इससे ज़्यादा तो क्या बताऊँ मैं आपको। 5 तारीख को परसों कल मनाई रहे हैं उसकी वो वर्षगांठ, तो थोड़ा ध्यान रखना उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये सारी लिस्ट आप थोड़ी सी ध्यान रख लीजिएगा, ओके। सर 50 क्वेश्चन की सोच रहा हूँ मैं जीके में, 50 तो यार अब ठीक है, बट क्यों भाई, तो जीके यार मेरे को देखो मैं पेपर पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन अगर टफ ज़्यादा होगा तो फायदा हो सकता है आप लोगों को जीके के अंदर, लेकिन अगर जीके सिंपल हुआ तो यार लोग बहुत टाइम से पढ़ाई कर रहे हैं, इसकी वैकेंसी 1-1.5 साल पहले आई थी, 1-1.5 साल पहले पेपर ऑलमोस्ट होने वाला था, तो लोगों की तैयारी तब से है, तो थोड़ा सा ना आप उस लेवल को भी ध्यान रखो। मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर टफ आएगा आपकी तैयारी ख़राब हो सकती है, लेकिन तैयारी बेहतर जितनी मैक्सिमम आप कर सकते हो ना वो चीज़ आप करने की कोशिश करो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। चलिए तो फिर आई थिंक दिस इज द लास्ट स्लाइड, दिस वॉज द लास्ट स्लाइड। तो अगर कोई डाउट है आपका तो यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर, ठीक है। ये मेरी क्लासेस के बारे में आपको टेलीग्राम लिंक से जानकारी मिलती रहेगी, नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे आपको। इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन हैं आपके, और भी कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी, फोन पे भी चैट के अंदर भी जितना होता है मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। एंड ये प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल राजस्थान 360 आपको, और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ना। लाइक्स नहीं आते हैं यार, बताओ यार, कोई पुश ही नहीं मिलता वीडियो बनाने का, आप लोग लाइक ही नहीं करते हो ना, कोई ढंग से प्रॉपर बताते हो कि सर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई डाउट है कुछ बताते ही नहीं, ऐसे मत करो भाई, तो थोड़ा पुश करा करो यार, लाइक करा करो। एंड या आपको श्योर विल टॉक राइट नाउ आफ्टर द क्लास, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखना राजस्थान 360 में, आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो, कॉमेंट करो, रिकमेंड करो, ठीक है। और अगर प्लस पे जुड़ना चाहते हो तो मेरा कोड है 10VS, इसको यूज करना, 10VS बहुत इंपॉर्टेंट है कोड आपके लिए, ध्यान रखना, वायरल कर लो इस कोड को, ध्यान रखना इस चीज़ को, तो ये ज़्यादा फायदा रहेगा आपको। और प्लस के ऊपर पूरी आरएस की तैयारी बिल्कुल मेंस ओरिएंटेड आंसर राइटिंग के साथ और पूरी प्रैक्टिस के साथ पूरी करी जा रही है, तो ज़्यादा फायदा रहेगा आप लोगों को, ठीक है। एंड आई विल सी यू गाइज टुमारो एट 4:00 इन द इवनिंग अगेन, और उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे आप जो मारवाड़ शैली है, चित्र शैली,
तो इस तरह से पूरा कोर्स तो देखे, पूरे सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। इससे ज़्यादा आपके ACS में भी आने के चांसेस कम है, क्योंकि डिटेल मैंने काफ़ी इसमें इंक्लूड करी है। तो थोड़ा सा ढंग से पढ़ना है इस चीज़ को, पेंटिंग्स वगैरह, राइटर्स वगैरह, पेंटर वगैरह ज़्यादा पूछते हैं, रूलर पूछते हैं, बुक्स पुरानी कौन सी है, किसने लिखी, किसके टाइम पर लिखी गई है, वो पूछते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन है सर, 8 आवर तो सब्जेक्ट तो चले जाते हैं। अब यार देखिए मनीष, ये आपकी बात सही है पूरा पढ़ने वढ़ने का, बट ये लोग सभी के साथ कॉमन है ये चीज़। जो टॉप करेगा उसके पास भी वही 24 घंटे हैं, और जो बाद में जो नहीं होगा सिलेक्शन उसके पास भी वही 24 घंटे हैं। तो डिपेंड थोड़ा सा आपके ऊपर ही करता है कि आप कैसे इसको बात करना चाहते हो, कैसे कर सकते हो। ठीक है, सो आई विल सी यू गाइस टुमारो एट 4 o'clock इन द इवनिंग विद मारवाड़ पेंटिंग्स। ठीक है, तो टिल देन ऑल ऑफ यू गाइस टेक केयर, सायोनारा।